नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कर्रापुर चौकी ने नगर में निकाली नशा मुक्ति जागरूकता रैली। जिले के बहेरिया थाना अंतर्गत कर्रापुर पुलिस चौकी स्टाफ द्वारा कर्रापुर गांव में नशा मुक्ति व अपराध मुक्त अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। यह रैली PLP कॉन्वेंट स्कूल से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए गुजरी। इस रैली में स्कूली बच्चे और नगर के लोग भी शामिल हुए। साथ ही रैली के माध्यम से लोगों से नशा न करने की अपील भी की गई। इस दौरान कर्रापुर चौकी प्रभारी यशपाल सिंह लोगों से नशा न करने की अपील भी की गई। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। यहाँ आते ही सेल्फी पॉइंट कर्रापुर चौकी बना है, इतना अच्छा लगता है यहाँ आके। और यहाँ के थाना प्रभारी जो है वो क्या कहते हैं आपसे कि किस प्रकार से आप सुरक्षित हैं और किसी से डरना नहीं है आपको, है ना? एक मिनट। पुलिस चौकी का कर्रापुर का सेल्फी पॉइंट है और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। और हमें कोई छेड़खानी या तो कुछ भी करता है तो हमें यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर आके बताना चाहिए और घर वालों को बताना चाहिए। हमारे हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ पे सेल्फी लेने भी आते हैं और हम लोगों को अभियान के तहत आपने जागरूक अभियान चलाया, साथ में मास्क भी बांटे, क्या कहेंगे लोगों से आप नशा छोड़ने के लिए और मास्क लगाने के लिए? अभी वर्तमान में हमारे राज्य स्तरीय पे ये अभियान चलाया जा रहा है कि नशा मुक्ति के खिलाफ में और जो अवैध शराब इनके खिलाफ में अभियान जो चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से ये आदेश आया है और इसी के पालन में हमने अपने पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अतुल सिंह सर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनुभाग पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी महोदय के माध्यम से और अपने माननीय कर्रापुर के गणमान्य नागरिक श्री नेमा जी हो गए, अपने प्रजापति सर हो गए और देवी सिंह जी दाऊ हो गए और गणमान्य जो नागरिक हैं, बाकी स्कूल के बच्चे और स्टाफ, हमारे पुलिस स्टाफ की मदद से हमने एक प्रयास किया था कि एक रैली निकाली जाए और सहयोग से एक मैसेज चलाया जाए लोगों के पास कि हमें शराब को नहीं पीना है जिससे घर बर्बाद होते हैं और अन्य प्रकार के जो नशा है उनसे भी दूरियाँ बढ़ानी है। और हमने सब लोगों के सहयोग से मास्क वितरण का कार्यक्रम भी किया था, साथ में मास्क भी बांट वितरण किए गए और बच्चों को और सबको संदेश दिया गया, अगर इस प्रकार का कोई लोग घर में हैं या कहीं पड़ोस में ऐसे दिखते हैं तो आप हमें सूचना दें, हम उनको रोकथाम के लिए जो उचित प्रयास करने की कोशिश करेंगे।